नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कोरोना का वैक्सीन कौन सा कंपनी का लगवाना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में अभी तीन प्रकार के वैक्सीन मौजूद हैं। एक कोवैक्सीन है जो कि अपना भारत में बनाया गया, और एक कोविशील्ड है जो कि वो भी अपने भारत में बनाया गया। एक स्पुतनिक जो कि रूस से आयात किया गया, मतलब रूस से ख़रीदा गया है। अब थोड़ा सा आपको इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी बता देते हैं। तो आपको हल्का बुखार आएगा जो कि 8 दिन या 7 दिन रहेगा। उसके बाद थोड़ा आपका चिड़चिड़ापन लगेगा, कमजोरी महसूस होगा, थकावन होता है जो वैसा महसूस होगा। उसके बाद कि इन तीनों में से कौन सा वैक्सीन बेहतर होगा आपके हिसाब से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लग रहा है, तो ऐसे में आपको जानने वाली ये बात है कि आपको कौन सा वैक्सीन लगवाना बेहतर होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने कोवैक्सीन लगाया है। तो कोवैक्सीन का बता देते हैं, 80% कारगर दवाई है, ठीक है, वैक्सीन। और उसके बाद बात करते हैं कोविशील्ड का। कोविशील्ड जो कि 90% कारगर है। और अब बात करते हैं स्पुतनिक के बारे में। स्पुतनिक 92% कारगर है। तो जैसा कि आप सभी जान गए हैं, इन तीनों में से स्पुतनिक वैक्सीन बहुत अच्छा है। तो आपको ऐसे में हक बनता है कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए। तो अगर आप स्पुतनिक लगवाना चाहते हैं तो उसमें से आपको 1,000 रुपया देना पड़ता है, क्योंकि वो विदेश से ख़रीदा गया दवाई है। और अपने भारत में जो बनता है वो आपको बिल्कुल फ्री वैक्सीन लगाया जाएगा। तो जानने वाली बात यह है कि कौन सा डोज कितना दिन के बाद, पहला डोज कितना दिन के बाद, दूसरा डोज कितना दिन के बाद लगवाना चाहिए। तो हम बता देते हैं, कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाते ही उसके ठीक 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेना चाहिए। और कोविशील्ड उसका एक डोज लेने के बाद फिर ठीक उसके 30-32 दिन बाद लेना चाहिए। और स्पुतनिक जो दवाई है जो कि रूस से ख़रीदा गया है, उसका है कि पहला डोज लेने के बाद 21 दिन के बाद आपको वो डोज लेना पड़ता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे कि एक डोज ले लिए कोवैक्सीन का, दूसरा डोज ले लेंगे कोविशील्ड का, तो ऐसे नहीं होता है। जैसा कि आपने कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाया तो आपको कोविशील्ड का ही दूसरा डोज लेना होगा। और अगर आपने कोवैक्सीन का पहला डोज लिया है तो कोवैक्सीन का ही दूसरा डोज भी लेना होगा। ऐसा नहीं है कि एक डोज ले लिया कोवैक्सीन का, दूसरा डोज ले लिया स्पुतनिक का, ऐसा नहीं हो सकता है। जो डोज आपने लिया है वही डोज दूसरा वाला भी आपको लेना होगा। मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना, जो कि जानकारी आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए।